आपसे बच्चे होंगे, बढ़िया होंगे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। तो मैं अभी ना के आया हूँ और आप लोग मेरे को देख देख के बोर हो गए हो ना, आज था आने नहीं ब्लॉग्स में, दिखाता हूँ आस्था ब्लॉग वालों को। हाय सॉरी गाइस को, हाय तो बोल दे, हाय गाइस बोल देना। पता क्या लग रहा है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं लड़कियां चीयर नहीं करती, वैसा लग रहा है। ठीक है, हाँ जी गाइस, सो मैं एकेडमी गया था और वहां से आ गया हूँ। मेरे को नहीं लगता आस्था ने ब्लॉग किया है, मतलब मेरे को पता नहीं, वो भी सो रही है, उठ के पूछूंगा। आजकल वो सीरियस नहीं है यार ब्लॉगिंग को लेके। तुम लोग प्लीज कमेंट करो ताकि उसको थोड़ा सा फील हो, उसको पता चले। आप लोगों ने देख लिया होगा पिछले कम से कम 3-4 दिन से मैं अकेला ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक तो गुल्लक लेने, गुल्लक पिगी बैंक, और मेरे को पता नहीं क्या कुछ तो भी है काम, तो मेरे को सेविंग्स की आदत है, इस करके मैं लेने जा रहा हूँ गुल्लक। वैसे मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन ना मेरे मुंह में छाला हो गया। छाला मीन्स अकल बोलते हैं छाले को इंग्लिश में। गुस्सा आता है भाई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें। तो अभी मैं जाता हूँ गुल्लक लेके आता हूँ, ब्रह्म सरोवर में मिलते हैं गुल्लक ऐसे 50-50 के छोटे छोटे या 60 के, उनसे थोड़ा बार्गेनिंग करवाओ तो 40 के दे देते हैं। सो गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, शायद छठ पूजा की वजह से। देखो तो गुल्लक तो मैंने ले लिया है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मेरे को मिला ही नहीं पता था गुल्लक वाला। मैं तो घर जाने वाला था बस एकदम से, फिर ये सब मैं ये लेता हूँ, मतलब क्योंकि ना टूट जाते हैं बाद में, तो तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है। रिटर्न दे रहे हैं वो मेरा। सो मैं घर पे आ गया हूँ और बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे ब्रह्म सरोवर, छठ पूजा है ना आज, उस करके मतलब इतनी ज़्यादा रोड पे चलने के लिए स्पेस इतना ज़्यादा घेरा हुआ ना लोगों ने, जो बीच में व्हीकल्स आ रहे हैं कार वगैरह उनके लिए तो स्पेस है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं। और एक कार वाले ने मेरे पैर पे एक टायर चढ़ा दिया, वो तो मैंने हाथ मारा तब जाके पीछे करा। और एक चीज़ बताऊँ, वो औरत थी। फिर लोग बोलते हैं कि फिर औरतें मतलब गर्ल्स बोलती है हमें तो सब कुछ आता है आस्था, तेरे को तो सब कुछ आता है। अरे दिख भी नहीं रही, यू नो ऑल द थिंग्स है। बिरो तुमने ब्लॉग किया था, बताइए मेरे को। लो मैं पढ़ने का करती, ये देखो उसके पास सब चीज का रीजन है, सब हर चीज का रीजन है उसके पास, यू नो मनी हाइस्ट की प्रोफेसर बन रही है। कुछ क्या है। सो अभी मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया सुबह से। मम्मी चाय भी बना दो, कोई नहीं आप रोटी नहीं बना दो, प्लीज नहीं बनाओ यार। अभी टाइम हो गया 9:30 और आस्था अंदर पड़ रही है और मैं बाहर तक दुकान तक जा रहा हूँ शॉप पे। देखता हूँ पैदल ही जाऊँगा यार, पैदल ही जाऊँगा हाँ, क्योंकि बार बार स्कूटी स्कूटी है। तो चलो मैं मास्क देख रहा था, मिल नहीं रहा। अभी ना मैं पैदल गया था और वहाँ पे जाके देखा तो ना दुकान के बाहर शादी हो रही है तो दुकान बंद है। तो मतलब मेरे को बाइक पे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। बुज्जू ओए, मैं ना भी डर गया था आपको देख के, आप क्या कैसा बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। हाँ जी सर, कुछ खाने का थोड़ी दे रहा हूँ मैं, आप ऐसे भाग तो आ रहे हो सर। मैं तो जा रहा हूँ। सो गाइस मैं अभी सामान लेके आया था, मैं जा तो देख रहा था इसको, ये ना बाइक सीख रहा है, अब मैं वापस आया अब भी सीख रहा है, डेडिकेशन इज भाई। अरे कोई नहीं यार, सही लग रहा है भाई, तो स्मार्ट लग रहा है एकदम, बाइक पे बैठा हुआ कितना स्मार्ट लग रहा है। ओए होए ए, देखो पहली बार ऑन कर देगा ये, चल हाँ, ओ फिर से हाँ, एक और बार, कोई नहीं गाइस। गाइस वो चला गया है, मतलब अच्छा बहुत बढ़िया जा रहा है, बस कहीं ना बीच में अटक ना जाए बेचारा।
अटक गया शायद, कहीं अभी तक तो आया नहीं, मेरे को तो यही लग रहा है, देखता हूँ जाके, शायद थोड़ा बड़ा राउंड मारने गया इसलिए बेचारा थोड़ा घूम के आएगा ना भाई, चल गई अच्छी बात है। चलो अब मैं भी घर चलता हूँ या फिर उसका वेट करता हूँ थोड़ी देर, बस मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जिसमें डेडिकेशन होती है ना, वो बुरा बुरा आवाज़ आई मेरे को बाइक चलने की। आ गया कहाँ रुकी थी बाइक? हाँ मैं बोला मेरे को वहाँ तक देख के आया। सर मेरे को लगता है हमारा घर है। सर ओए ये हमारा घर है। ओए ओए सैम ओए कितना नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारा घर है, मैं कह रहा हूँ हमारा घर है, नजर भी ना डाल इस पे। हाँ ओए ओए मैं कह रहा हूँ हमारा घर है ये कितना प्यारा है यार ये। चल अब बाहर जा, बाहर बाहर बाहर। ओ भाई अभी यहाँ कुछ फटा गाइस, क्या पता क्या फटा, पटाखा था या फिर फ्यूज उड़ा, मुझे को पता नहीं। वो बाहर कहाँ गया? अब गया बाहर, यहाँ तो किसी के घर फ्यूज उड़ा या पटाखा बजाया, बम फूटा बड़ी तेज, फट साइड वाले में ही अपने खा लेना। पापा विनायक को दवाई दवाई पिला रहे हैं और ये ना पीने से ज्यादा विनी गिर के पी ले, गिरा लेता है, क्या करे अभी बेचारा। हे आस्था व्हाट आर यू डूइंग बेबी? पकाएंगे रोटी। ये कौन सी रोटी है बे? ये मक्की की रोटी पका रही है, उसको गरम कर रही हूँ। इसमें से तूने बुर्की मारी है ना? यस मैंने बुर्की मारी है। पापड़ को पानी के आओ। हाँ जी आए पिंपल्स बेटा, अभी हमने जो साग खाया उसमें प्याज दिख रहे थे कहीं? मेरे को तो नहीं दिखे ना, मैंने देखी नहीं। आस्था भी आस्था साग में तड़का लगा रही थी, पापा ने इसमें तड़का लगा दिया प्याज प्याज लाल हुए नहीं और ये कौन है प्याज लाल हुए नहीं और पहले साग पा दिया उसमें। नहीं ये कला ये कहाँ से दिमाग कहाँ से लाते हो तुम हैं? पहले प्याज डालने से पहले तेल डालना। अच्छा ठीक है, नहीं मतलब ये साग तो नहीं बना फिर क्या बना दिया तुमने? ये ऊपर तो देखा करना, कैमरा नहीं दिखता कहाँ पे, ये चार तीन छल्ले बने हुए हैं जो ये दिखते नहीं क्या है? मारूंगा रैप्टर, सॉरी मैं कहा मैंने नहीं मारा, मारा नहीं मैंने। सो गाइस हम व्लॉग को एंड करते हैं है ना, कर देना कर देते हैं, मैं एडिटिंग करने वाला हूँ है, कर लूँ ना है ना, ठीक है तो हम व्लॉग को एंड करते हैं। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा, आस्था अभी तक पढ़ रही है पता नहीं क्यों, 13 को पेपर है उसका, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।